अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। फैज़ रज़ा यूट्यूब चैनल में आप सभी को एक बार फिर से खुश आमदीद। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अजान के वक्त इन 16 बातों का खास ख्याल रखें, वरना आप तबाह और बर्बाद हो जाओगे। अगर इन बातों पर अमल नहीं करोगे तो आप बर्बाद हो जाओगे। देखिए वो 16 बातें कौन कौन सी हैं, जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, इसकी बिल्कुल ना करें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें। वीडियो पसंद आए हो तो इसे लाइक भी करें और अपने कुछ करीबी लोगों में शेयर भी कर दें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। प्यारे दोस्तों, जब भी अजान हो रही हो तो इन 16 बातों का आप खास ख्याल रखें। जानिए वो 16 बातें कौन कौन सी है। नंबर 1, अजान के वक्त बातचीत बिल्कुल ना करें। नंबर 2, अजान हो रही हो तो सलाम भी ना करें। नंबर 3, अजान के वक्त कोई सलाम करे तो उसका जवाब भी न दें। नंबर 4, अगर कुरान की तिलावत भी कर रहे हो तो अजान हो रही हो तो खामोश हो जाएं। नंबर 5, अजान का अदब न करने वाले पर अल्लाह का सख्त अजाब होगा। नंबर 6, अजान को गौर से सुने और हर कलिमात को दोहराएं। नंबर 7, अगर रास्ते में अजान शुरू हो जाए तो ठहर जाएं। नंबर 8, अजान के वक्त अजान पर गौर न करने वालों पर अल्लाह का अजाब होगा। नंबर 9, अजान के वक्त कोई भी किसी भी तरह का संगीत नहीं सुने। नंबर 10, अजान के वक्त औरतों को सिर ढककर रखना चाहिए। नंबर 11, अजान के वक्त कभी भी पैर पसार कर नहीं सोएं। नंबर 12, जो भी शख्स अजान के वक्त बातों में मशगूल रहता है उसका खात्मा बुरी तरह से होने का खतरा रहता है। नंबर 13, जब भी अजान हो रही हो तो उसका जवाब जरूर दें, जैसे जैसे कहें वैसे ही दोहराएं। नंबर 14, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह सुने तो अपने अंगूठे का बोसा लेकर आंखों पर जरूर फेरें। नंबर 15, हेज नफास वाली औरतें अजान सुने तो उसका जवाब देना जायज नहीं। नंबर 16, पेशाब या पाखाना जाते वक्त अजान का जवाब न दें। तो दोस्तों, ये थी वो 16 बातें जिनका अजान के दौरान खास ख्याल रखें। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने करीबी लोगों में शेयर भी कर दें। कल हम फिर से हाजिर होंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज। अपना ख्याल रखना और दुआ में याद रखना।